हेलो आप सबको, कैसे हैं आप सब। एंड अभी मैं अपने बाइक का जो KTM ड्यूक 200 है इसका थर्ड सर्विस करवाने जा रहा हूँ। KTM या कोई भी बाइक हो उसका 3 सर्विस फ्री मिलता है आपको, तो ये तीसरा सर्विस है। और तीसरा सर्विस हो जाने के बाद जो माइलेज है वो अपना एक्चुअली जो एक्चुअल माइलेज होता है वो आ जाता है। तो ये सर्विस के बाद हम देखते हैं, चला के मैं देखूँगा, उसका भी रिव्यू मैं करूँगा ऑब्वियसली, कि कितना माइलेज बढ़ता है, कि क्या है, कि सेम है। सो ये अभी मैं आ गया हूँ चिनार पार्क के टर्निंग में, जो चिनार पार्क सर्विस सेंटर है वहाँ पे मैं आपका सर्विसिंग करवा रहा हूँ, जो राजा हाट जाने के रास्ता में पड़ता है। एंड अभी देखिए मैं मैप वगैरह नहीं यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि अभी बहुत फैमिलियर हो गया हूँ कोलकाता के रास्ते वगैरह से। एंड रोड वगैरह भीगने से मौसम देखिए मतलब कुछ ज़्यादा ही बढ़िया दिखने लगता है। तो चलिए आगे बढ़ के देखते हैं, यहीं से थोड़ा दूरी पे है सर्विस सेंटर। अभी ये क्रॉसिंग पार करेंगे जो कि बहुत ही भीड़ वाला होता है और इसके बाद हमको सर्विस सेंटर मिल जाएगा। सो अभी पहुंच गए सर्विस सेंटर के पास। एंड यहाँ पे देखिए मॉडिफिकेशंस एंड गैरेजेस पहले से है दूसरे, लेकिन KTM का जो ऑथोराइज्ड सर्विस सेंटर है उसका वहाँ पे चलते हैं, वो थोड़ा ये गली में है। एंड अभी हम लोग पहुँच गए एंड ये मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए टेस्टिंग भी चल रहा है यहाँ से, मतलब बाहर से आपको लगेगा ही नहीं कि यहाँ पे जो KTM चिनार पार्क है, पर यहाँ पे आए तो पूरा फुल फ्लेज्ड वर्कशॉप है। यहाँ सबसे पहले मैंने अपना बाइक पार्क कर लिया, उसके बाद जो भी बुकिंग वगैरह किया है उसके बारे में बताया, एंड फिर जाके जो टेस्टिंग वगैरह है वही सब होगा, मतलब वहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव है वो बाइक टेस्ट। सो ये मेरा बाइक अभी सर्विसिंग में लग चुका है एंड इसका जो फिल्टर वगैरह है वो भी चेंज करेंगे, बाकी जो भी इनका प्रीलिमिनरी चेकअप्स होता है वो सब करेंगे। एंड क्योंकि ये थर्ड सर्विस है तो एयर फिल्टर चेंज ही कर देते हैं, एंड सच बताऊं मैं तो एयर फिल्टर के बाद से आपका माइलेज बढ़ता है, और वो भी बहुत जगह क्या है एयर फिल्टर ऐसे ही साफ़ कर देते हैं, बट चेंज करवाना बेटर होता है। और हाँ, मोबिल वगैरह तो हर टेस्टिंग में चेंज होता है। तो यही सब है जो मैंडेटरी है, एंड क्या खर्चा हुआ नहीं हुआ ये भी मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि वो बाद में आता है तो वीडियो के लास्ट में वो है। एंड एक बात और कि KTM के अंदर वीडियो बनाना अलाउ नहीं होता, पता नहीं क्यों, तो मैंने वैसे भी थोड़ा बहुत बना लिया। और ये देखिए बाहर पूरा प्लेन वगैरह उड़ रहा है, मस्त भी बात है क्योंकि एयरपोर्ट यहाँ से सामने है। सो बाइक सर्विसिंग करने के बाद जो यहाँ का रिप्रेजेंटेटिव है वो थोड़ा और टेस्ट कर लेते हैं कि और कुछ चाहिए कि नहीं, जैसे क्लच वायर वगैरह, तो उसके अकॉर्डिंगली वो लोग चेंज करते हैं। तो मेरा क्लच वायर भी चेंज हुआ। सर्विसिंग करने के बाद जो केयर का बात आता है वो होता है आपका चैन ल्यूब और वॉशिंग का, तो चैन ल्यूब वगैरह कर देते हैं, उतना अच्छा से नहीं करते सच बताता हूँ। और यहाँ क्लीनिंग भी मतलब उतना अच्छा से नहीं करते, बाहर मैं क्लीनिंग करवाता हूँ जिसका वीडियो मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया है इसी चैनल पे, वहाँ देखिएगा, वहाँ मस्त धो के चमका के पॉलिश करके एकदम प्रोफेशनल तरीके से, ये तो उसके मुकाबले कुछ नहीं करते, बहुत अनप्रोफेशनल काम करते हैं, मैं देखा हूँ हर जगह जहाँ भी करवा हूँ। बल्कि आपका कार जो वॉशिंग करते हैं ना सर्विस सेंटर में वो बढ़िया कर देते हैं, पर ये बाइक वॉश नहीं, एकदम आपका चमक निकाल देंगे, आपको बाहर से करवाना ही पड़ेगा। सो ये खर्चा पड़ा है सर्विसिंग का। एंड आपका जो पीछे वाला आप देख रहे हैं वो खर्चा पड़ा है आपका जो लीवर मैंने चेंज करवाया है क्लच के लिए। सो 2000 के अंदर ही एयर फिल्टर चेंज करके सर्विस हो गया, क्योंकि चैन लूबर वो पिछले बार वाला ही चल रहा था। एंड ये जो है 359 इसका अलग से बनाए, वो था आपका वो जो लीवर है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, वे आपको अच्छे से दिखाऊंगा, देखिए सामने से आप इधर लेफ्ट साइड में जो देख रहे हैं ना, ये देखिए ये लीवर, अभी सामने से आपको दिखाता हूँ, ऐसे मैं टेस्ट कर रहा हूँ इसको, यहाँ पे जो घुमाने वाला लीवर होता है ना उसी को चेंज करवाया है मैंने, मतलब क्या है लॉन्ग में कभी कभी ढीला करने में आसानी होता है। ये देखिए देखिए इसमें नंबर है 1, 2, 3, 4, आपको जिस पे आपका सही बैठे आप उस नंबर वाइज इसको
चला सकते हैं, ठीक है, जो आपको टाइट ढीला जैसा चाहिए, मतलब आपका क्लच, ठीक है। क्या होता है, बहुत ट्रैफिक में, लॉन्ग में या कहीं रास्ता ख़राब है तो बहुत क्लच दबाना पड़ता है, ठीक है। तो इसीलिए मतलब अपने कंफर्ट के हिसाब से आप उसको लूज़ कर सकते हैं, टाइट कर सकते हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे इसीलिए ये लगवा लिया मैंने, एंड इसका कॉस्ट भी इतना ही पड़ा, ठीक है, बट ये बहुत काम का चीज़ है। तो मतलब एक्चुअली ट्रैफिक्स में या लॉन्ग में इसका ज़्यादा काम पड़ता है, ज़्यादा समझ में आता है। सो यही है, देख लीजिएगा, आप लोग को भी लगवाना हो लीवर तो आप लोग क्लच का लीवर लगा सकते हैं। बाकी ब्रेक का भी ऐसा लीवर आता है, बट ब्रेक का जो लीवर है वो थोड़ा ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है, 1200 के ऊपर। सो ये रहा मेरा बाइक सामने आपके, क्लीन होने के बाद ऐसे भी बहुत अच्छा लग रहा है। एंड ये है वो लीवर, ठीक है, लेकिन लीवर लगाने के बाद से देखिए यहाँ का जो ऊपर का कवर है वो थोड़ा सही से बैठ नहीं रहा है, क्योंकि क्या है, इस मॉडल में ये लीवर नहीं आता है, सच बताएं तो। देखिए उधर भी लीवर लगा सकते हैं, एंड ब्रेक साइड में कोई वैसा कवर नहीं आता है, तो यही मैंने एक बार कंफर्म भी कर लिया कि कहीं छेड़खानी तो इन्होंने नहीं किया है। सो सर्विस कंप्लीट, और अभी यहाँ से निकलते हैं। और अभी देख रहे हैं आप हेलोजन लैंप जल रहा है, लेकिन अभी क्या है, अब इसमें आप जो एलईडी लैंप आता है वो भी लगवा सकते हैं, पूरा सेट चेंज करवा सकते हैं। उसका खर्चा 15,000 जैसा पड़ जाता है, करीब करीब 15,000 के अराउंड, ये मैंने यहाँ से कंफर्म किया। बट सच बताऊँ तो इससे भी कोई दिक्कत नहीं है, डिज़ाइन से भी सही लगता है। वो क्या है, वो ज़्यादा लाइट देता है, बाकी वैसा कुछ दिक्कत नहीं है हैलोजन में भी। सो थर्ड सर्विस के बाद, मतलब हर सर्विस के बाद ही लाइट फील होता है, साउंड चेंज हो जाता है बाइक का, बहुत मतलब बेटर लगता है। एंड जो अपना सेल्फ केयर है, वो मैं जैसे नेपाल ट्रिप में गया था तो वहाँ पे तो हर 500 मीटर पे मैं ल्यूब कर रहा था, इस बार ल्यूब नहीं किया था, तो चैन में थोड़ा जंग लग जाता है, ठीक है। तो वो केयर आपको खुद से करना है, ठीक है, चैन ल्यूबिंग आपको सही से करना है। सो चलिए आगे चल के आपको बाकी डिटेल्स जो भी है बताते हैं। अभी तो बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि बहुत दिन बाद बाइक भी धोया हूँ, क्योंकि बारिश का मौसम में ऐसे ही पूरा गंदा हो जाता है बाइक। देखिए यहाँ तो फिर भी साफ पानी जमा हुआ है, ठीक है, कहीं कहीं ऐसा होता है पूरा कीचड़ वाला जैसा पानी, नाली का पानी रहता है, तो वहाँ क्या, वहाँ दिक्कत होता है। पीछे मड गार्ड वगैरह पूरा मतलब पूरा मिट्टी जैसा जम जाता है। सो अभी आ गए हैं अपने रास्ते पे, और बाकी का जो भी है, मतलब वैसे मुझे बहुत अच्छा तो लग रहा है, बहुत इजी फील हो रहा है चलाने में, मतलब ऐसे भी KTM ड्यूक इजी फील होता है, बट क्या है, सर्विस के बाद एकदम मक्खन जैसा चलता है, ठीक है, और धोने के बाद भी ऑब्वियसली अच्छा क्लीनिंग होगा उसके बाद भी। सो बाकी का जो भी आगे का वीडियो है वो मैं आपको पूरा डिटेल रूम पे चल के बताता हूँ। ये देखिए मस्त नहा धो के पूरा फ्रेश। सो फाइनली सर्विस कंप्लीट हुआ, थर्ड सर्विस, और 11 महीने हो गए हैं बाइक के, लगभग 11 महीने अभी पूरे नहीं हुए हैं, 10 महीने कुछ दिन हुए हैं, एंड थर्ड सर्विस जो फ्री सर्विस होता है वो कंप्लीट हो गया। एंड माइलेज का बात करूं, अभी तक परफॉर्मेंस का बात करूं, तो परफॉर्मेंस तो मुझे बहुत अच्छा मिला, मैं बहुत लंबे लंबे राइड्स किया हूं इसके साथ, एंड आपका माइलेज वही 30-31 यही है माइलेज। एंड बाकी अगर बोले कि लेकर कैसा लगा इतना दिन से बाइक, तो बहुत सही डिसीजन था ये बाइक लेने का, एंड ऑब्वियसली ये इंडिविजुअल चॉइस होता है। बट अगर मैं बोलूँ किसी का मन है कि क्या ड्यूक लेना सही रहेगा, तो 100% आप ले सकते हैं बिना कोई डाउट के। एंड बाकी जो भी रिव्यूज़ वगैरह है वो मैंने शेयर किया है, वो देखते रहिएगा इसी चैनल पे है, एंड राइड्स वगैरह भी शेयर किए हैं। बाकी जो डिटेल रिव्यू है 2 महीने 3 महीने 6 महीने ऐसे बाद वो सब मैंने शेयर किए हैं, एंड इसके बाद भी क्या माइलेज मिल रहा है मुझे वो भी मैं शेयर कर दूँगा। चलिए देखते रहिए, धन्यवाद, थैंक यू।